सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस के 4 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जॉन अब्राहम की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपरहिट। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस फिल्म का 4 दिनों का कलेक्शन क्या हो चुका है और ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर और कितनी कमाई कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग। तो दोस्तों, 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर बनाई गई फिल्म बाटला हाउस, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर नजर आई है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने काफी शानदार काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से जॉन अब्राहम देशभक्ति की फिल्में कर रहे हैं, उनमें से ही एक है बाटला हाउस, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की है। दोस्तों, इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2600 से 2700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया था और कमाए थे लगभग 15 करोड़ रुपए। बात करें अगर इस फिल्म के हम लोग सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों काफी अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने सेकंड डे भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए लगभग 8 करोड़ 84 लाख रुपए, जो कि आउटस्टैंडिंग कमाई थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बता रहे दोस्तों आपको कि आज भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। और दोस्तों, इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25% की ग्रोथ दिखाई और कमाया 13 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 38 करोड़ रुपए का। बात की जाए इस फिल्म के फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि काफी अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में भी काफी अच्छी ओपनिंग ली है और आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 45 से 50% की। यानी कि दोस्तों, कल के मुताबिक आज इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें 25% की ग्रोथ देखी जा सकती है और ये फिल्म आज अपने चौथे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की कमाई आराम से कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने 4 दिनों का हो चुका होगा लगभग 54 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बता दें आपको दोस्तों कि इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अपने 3 दिनों में कमाए थे लगभग 10 करोड़ रुपए। चौथे दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए है लगभग 4 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 14 करोड़ रुपए का। ऑल इंडिया ग्रॉस पर दोस्तों ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है लगभग 70 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 दिनों का हो चुका है 84 करोड़ रुपए का और मात्र 60 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म बहुत जल्द इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है। और दोस्तों, जिस तरह का रेस्पॉन्स सुपरस्टार जॉन अब्राहम की इस फिल्म को मिल रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग भी हासिल कर ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जॉन अब्राहम की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी? 80 करोड़, 100 करोड़ या फिर 120 करोड़? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।